कर रहा है मानव? ये क्या, तो ये लगा रहा है बालवीर को? ये ले, ये मेरा स्पेशल कलर है, स्पेशल बालवीर के लिए स्पेशल कलर। हाँ बालवीर स्पेशल है तो उनके लिए स्पेशल कलर तो होना ही चाहिए। वाह बालपरी, आपने तो हम परियों की होली और भी यादगार बना दी। कितना अच्छा हुआ ना कि हमने परी लोक में भी होली मनाने का फैसला किया। हाँ ये सब बालवीर की वजह से हुआ है, अगर ये नहीं होता हमारे साथ तो इस त्योहार की खुशियाँ आधी रह जाती। परियों आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई बालवीर। ये सब तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर यहाँ बारिश होती फूलों की, और भी आनंद आता। अच्छा ठीक है, हम आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। हमने इसका इंतजाम पहले से ही कर रखा है, वो देखिए। ये पूरा पानी गंदा है, तो आप चाहते हो कि हम इसे साफ कर दें? नहीं। अच्छा तो तुम इसे अकेले साफ करना चाहते हो? ओके। नहीं इडियट्स, अगर इस पानी को हाथ भी लगाए ना तो दिन भर खुजली करते रहोगे। आपकी? नहीं अपनी। बस अब इस गंदे पानी में मेहर को गिराना है। हम एक काम करते हैं, अभी जाते हैं और मेहर को यहाँ लेके आते हैं। ओके। चलो। ए इडियट, कपड़ा कौन लगाएगा? आप। मैं। मतलब हम तीनों मिलके डालेंगे। हाँ। चलो। नहीं नहीं सुरेश, रुक जा। होली है और तूने मुझसे रंग नहीं लगवाया। नहीं मेहर, बस हो गया। प्लीज। ठीक है। मेहर दिखी? हाँ दिखी। वो क्या, दर्श सामने ही तो है। शाबाश, तो अब टाइम पास मत करो, जल्दी से मेहर को उस टैंक के पास लेके चलो। ओके ओके। अभी तो तू बच गई लेकिन बाद में नहीं बचेगी। मेहर होली खेलने में बड़ा मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू रानी। अरे थैंक यू तो तुम मुझे तब कहोगी जब मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा जहाँ सब लोग इससे भी मजेदार होली खेल रहे हैं। हाँ कहाँ? बस यही पास में। चलो एक मिनट, मैं मानव और कुकी को बुला के लेते हूँ। मानव और कुकी को तो रोहित के लेके आएंगे है ना? ये इडियट्स कहाँ रह गए? क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, मानव और कुकी को ना ये रोहित के लेके आएंगे, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है चलो चलो। बस अब मैं तुम्हें इस चादर के नीचे गंदे पानी के टैंक में गिरा। रॉनी तुमने तो मुझे कहा था कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। बस
यहीं पे दे। तुम थोड़ा आगे चलो ना, यहाँ पे और भी मजेदार चीज है। ठीक रॉनी, मैं तुम्हारे ही गार्डन में होली खेलने आई और मैंने तुम्हें रंग ही नहीं लगाया। मैं अभी तुम्हें रंग लगाती हूँ। हैप्पी होली। लेकिन रॉनी, ये क्या रॉनी, तू मैं कैसे बन गया? ये क्या हो गया मुझे? रॉनी, तू तीन मिनट। अरे मैं तो यार, तू सामने दो दो बार कैसे? तीन बार कहाँ से आ गए? ये सब क्या है? क्या है ये सब? क्या हो रहा है यार? पता नहीं रोहित, लेकिन जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। अरे केवल, सामने आप दो दो मेहर है, अब इन दो मेहर में से हम किसको इस खुजली वाले पानी में डालें? अच्छा तो ये रॉनी मुझे यहाँ खुजली वाले पानी में गिराने लाया था। बदमाश कहीं का। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। नहीं, अगर मैं बालवीर को बुलाऊंगी तो ये समझ जाएंगे कि मैं ही मेहर हूँ और फिर ये मुझे इस गंदे पानी में गिरा देंगे। मुझे कुछ और करना होगा। एक काम कर दे, दोनों को गिरा देते। मैं क्यों? मैं रॉनी हूँ। पता नहीं मैं मेहर कैसे बन गया, लेकिन वो असली मेहर है, इसलिए उसे गिराओ। रे मैं नहीं, देखो मैं असली रॉनी हूँ, उसे गिराओ, वो असली मेहर है। इडियट्स, वो असली मेहर है, जाओ उसे गिराओ। इडियट्स बोला, यही असली रॉनी है। सही बता दो कि तुम दोनों में से कौन सी असली मेरे, क्योंकि हमने रॉनी को कहा है कि हम उसे इस खुजली वाले पानी में डालेंगे तो डालेंगे। अरे इडियट्स, मैंने ही तुम्हें कहा था कि मेहर को गिराओ, तो गिराओ ना। नहीं, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम मेहर को गिराओ। आइडिया, हम काम कर दे, हम दोनों में से क्वेश्चन पूछते और जो सही आंसर देगा हम उसे पानी में गिराएंगे। अच्छा आइडिया। तो एक क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास चार आम है, उसमें से दो आम तुम्हें एक बच्चे को देना है, तो तुम्हारे पास कितने आम बचेंगे? इडियट्स, कितना आसान सवाल है, दो आम बचेंगे। मेरे पास तो चार ही आम बचेंगे, क्योंकि मैं अपने आम किसी को नहीं देता। यही है रानी और ये मेहर, क्योंकि इस मेहर ने तो समझदारी का आंसर दिया है। चल केवल, चल। नहीं रुक, केवल। अरे इडियट्स, मुझे नहीं, अरे मुझे नहीं। बहुत खेल ली होली, अब थोड़ी मिठाइयां भी खा लेते। लड्डू किधर गया? दूसरी मिठाई ले लेता हूँ। हो क्या रहा ये?
नटखट परी की शरारतें भी खूब हो रही है। डुबा डुबा चार, अब मैं कोई शरारत नहीं करूंगी, अब तुम खा सकते हो। इस बार तो परीलोक में भी ये होली का नजारा बहुत अद्भुत है। अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है अर्पण परी। अब और क्या हो सकता है होली में? वहाँ देखिए, चुलबुली तितली। होली की शुभकामनाएं। अरे वाह 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 बालपरी, क्या खूब रंग बिखेरा इन चुलबुली तितलियों ने। हाँ माँ, इस साल की होली तो बड़ी ही अद्भुत है। शुक्रिया नटखट परी, मैं आपके जादुई रंग की वजह से पृथ्वी लोक में भी और परी लोक में भी होली मना पाया। माँ मेरी इच्छा है कि हम परी लोक की तरफ से और हमारी तरफ से पृथ्वी लोक में बच्चों के लिए होली की शुभकामनाएं भेजें। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बालवी, तुम्हारी ये इच्छा भी हम जरूर पूरी करेंगे। क्यों बाल परी? पूरी करेंगे नहीं नटखट परी, पूरी करती है। हा? क्या वो देखिए, गाल परी के गुब्बारे। हाँ, और अब ये गुब्बारे पृथ्वी लोक में जाके वहाँ के बच्चों को आपका संदेश दे देंगे बालवी। मेहर, ये तुम क्या कह रही हो? बिना जादू के ऐसा कैसे हो सकता है? तीन दिन मेहर कैसे बन सकती है? पता नहीं बालवीर, पर ऐसा हुआ है। बालवीर एक बात कहूँ, हुआ होगा ये शायद नटखट परी के जादू रंग की वजह से। ये रंग की वजह से? हाँ बालवीर, मैंने जैसे ही ये रंग रोनी को लगाया तब रोनी मेहर बन गया। मेहर तुम मुझे रंग दिखाओ। हाँ बालवीर, ये लो। मेहर ये जादुई रंग है। जादू का? हाँ बच्चों, और इसी रंग की वजह से तुम जिसे ये रंग लगा रही थी वो तुम्हारे जैसा रूप ले रहा था। लेकिन तुम चिंता मत करो मेहर, ये रंग का असर कुछ समय बाद अपने आप हट जाता है और सब लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। शुक्रिया बालवीर। लेकिन अब मुझे रोनी रोहित केवल को सबक सिखाना होगा। हम लोग सबक सीख गए। प्लीज हमें माफ कर दो। माफ कर दो प्लीज। जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। हाँ हम समझ गए, प्लीज हमें माफ कर दो। नहीं बालवीर, ये कुछ भी नहीं समझे, और इन्होंने पहले भी हमें सॉरी बोला था। हाँ नहीं, हम समझ गए, सच में बालवीर समझ गए ना। हाँ समझ गए, समझ गए। तुम सही कह रहे हो मानो, मैंने तुम तीनों को सुधरने का एक मौका दिया था लेकिन फिर भी तुम तीनों नहीं सुधरे, और इसीलिए तुम्हें इस गलती की सजा तो मिलेगी। हाँ बालवीर, मैं जो कांप रहा था वो इन तीनों के वजह से, इसलिए मैं तो कहता हूँ खुजली करते करते ये तीनों आधे बंदर बन ही चुके, क्यों ना तुम इन्हें पूरा बंदर बना दो। हाँ बालवीर, ये सही कह रहा है। तुम्हारी वजह से बच्चों को कितनी तकलीफ हो सकती थी जानते हो? और बच्चों को तकलीफ हो ये बालवीर कभी सहन नहीं कर सकता। हे नटखट परी, बुराई की जगह अच्छाई जाए सबके अंदर, रोनी रोहित केवल तीनों बन जाए बंदर। होली मना मालवी, हम सब बहुत थक गए, हम सबको बहुत भूख लगी है। बस इतनी सी बात, बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, और वैसे भी खाने पीने के बिना होली तो अधूरी है। तो हाँ
बच्चों अब चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि जब तक तुम्हारा पेट नहीं भरेगा तब तक ये खाना कभी खत्म नहीं होगा। तो शुरू हो जाओ। बालवीर जाऊं मैं भी? हाँ जरूर। हाँ रोनी रोहित केवल होली प्यार और दोस्ती का त्योहार, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसे बच्चों को बिल्कुल परेशान मत करना। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं, कभी सॉरी सॉरी, कभी नहीं बाबा। हे नटखट परी, इन तीनों ने मेरी बात समझी, इसलिए ये तीनों हो जाए सही। मैं तुम सब लोगों से माफी मांगता हूँ और तुम लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगा। बालवीर जी, क्या हम भी खाएं? हाँ जरूर। अरे वो देखो गुब्बारे। मैं जानता हूँ परियों कि बच्चों के लिए होली का ये संदेश आप सब परियों की तरफ से है। अरे हूँ दिखता बस मैं छोटा, लेकिन है मेरे काम बड़े बड़े। अच्छा? अरे बुरी से बुरी शक्तियाँ है आती मेरे सामने डरने से। अच्छा? अरे इतना ही नहीं, भयंकर परी है मालूम, भयंकर परी तक को की आएगी वो मेरे सामने तो कर दूंगा मैं उसका भी खात्मा। हाँ हाँ, भयंकर परी आप यहाँ? कर दो मुझे माफ, कर दो मुझे माफ, हो गई गलती मुझसे, लग रहा है डर मुझे आपसे, लग रहा है डर मुझे आपसे। अरे डरते हो तुम भयंकर परी से अभी भी, जिसका हो चुका है अंत। देखो डुबा डुबा हो, नहीं आने वाला मैं तुम्हारे इस बार झांसे में, उन्हें मैं डरता किसी से। अजीब से आवाज है इन पेड़ों से, लगता मुझे आने वाला परीलोक पे कोई भारी संकट। हाँ चलो परियों के पास। हाँ होगा, बताना उन्हें हमें इसके बारे में। चल चल चलो चलो। परी बाग में पेड़ क्यों हिल रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि परीलोक में कुछ गड़बड़ होने वाली है? Thank you.
ये बड़ा फर्स्ट आने का शौक था ना। ले ली ना मानो मेरे से दुश्मनी, कर दिया ना बालवीर ने पॉपट। पर अगर बालवीर से दुश्मनी ली है तो आपका भी हाल मोंटू बॉस जैसा होगा। अच्छा क्या हुआ था मोंटू के साथ? अरे बॉस ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये पूछो कि क्या क्या नहीं हुआ था मोंटू बॉस के साथ। अच्छा क्या क्या नहीं किया था मोंटू के साथ? मोंटू बॉस भले ही दिखने में आपकी तरह आती है ये तो आपको भी पता है, पर आपको ये नहीं पता कि बालवीर जी ने मोंटू बॉस को बंदर बना दिया था। बालवीर ने तुम दोनों को भी बंदर बनाया था? हाँ, मोंटू जैसे बॉस से हमें हमेशा लॉस ही हुआ है, कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। और कई बार हम दोनों के साथ भी। हाँ, जैसे बालवीर ने मोंटू बॉस को जोकर बनाया था। हाँ, मोंटू को मधुमक्खी बना दिया था। हाँ। हमें बालवीर ने लड़की बनाया था। हाँ हमको हवा में उड़ाया था। हमको बिजली के झटके दिए थे। पूरे स्कूल के सामने हमारा मुंह काला किया था। तुम दोनों की बातें सुन के तो लगता है कि मैं भी मोंटू की तरह बालवीर को अपना दोस्त नहीं बना पाऊंगा। हाँ आपका भी चांस बहुत कम है बॉस। बालवीर सिर्फ अच्छे और सच्चे बच्चों का वेस्टर्न बनता है, जैसे मानव मेहर का है। सच्चे और अच्छे होने से कुछ नहीं होता। मानव और मेहर के पास जरूर कोई राज है जिसकी वजह से बालवीर उसका बेस्ट फ्रेंड है। अब हम वो राज पता करेंगे और बालवीर को अपना फ्रेंड बनाएंगे। ये गेंडा सेम टू सेम मोंटू गेंडे जैसे बातें कर रहा है। ये गेंडा खुद भी पिटेगा और हमें भी पिटवाएगा। नहीं बॉस, आपको जो करना है जैसे करना है करो, मुझे और केवल को घर जाना है होमवर्क करने। चल केवल। हाँ चल रही। पिज़्ज़ास, बर्गर्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स। आपको ये राज पता करने की बात कर रहे थे। हम उस बताओ बताओ कब और कैसे पता करना है वो राज मानव और मेहर से। गुड, अब वो राज पता करने के लिए हमें गधे को अपना बाप बनाना पड़ेगा। मतलब? मतलब मानव मेहर को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा। ओह ओके बॉस चलो। इडियट उस तरफ। माँ माँ क्या हुआ बालवीर? माँ आज परी बाग में बहुत ही विचित्र घटना घटी। विचित्र घटना क्या हुआ? दरअसल जब मैं परी बाग में था हुआ ऐसा सिर्फ बालवीर के साथ नहीं बल्कि हुआ हमारे साथ भी। हाँ। बालवीर ये जो तुमने हमें बताया ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। शुभ संकेत मगर कैसे? हाँ लग रहा था हमें तो डर। हाँ। इन सबको डूबा डूबा बालवीर डरने की कोई बात नहीं है बल्कि ये तो परिलोक में आने वाली खुशी की सूचना है। हाँ? मैं कुछ समझा नहीं माँ। बालवीर ये सब कुछ जो आपने देखा और महसूस किया ये नई रानी परी के अवतरित होने के संकेत है। हाँ
नहीं रानी परी, रानी परी, नहीं रानी परी। हाँ बालवीर, परीलोक के नियम के अनुसार हर 400 वर्ष में उस समय की रानी परी समाधि ले लेती है और उनका स्थान लेने के लिए नई रानी परी पावन नदी से अवतरित होती है। और ये सब संकेत यही बताते हैं बाली कि हमारी नई रानी परी जल्द ही अवतरित होने वाली है। हाँ, उनके आगमन पर तो बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। हाँ। लेकिन माँ, हमारी रानी परी के साथ तो 400 वर्ष पूरे होने से पहले ही अनहोनी हो गई थी, तो फिर ये बालवीर, हमारा परीलोक ज्यादा समय तक रानी परी के संरक्षण के बिना नहीं रह सकता है और इसलिए माँ परी ने रानी परी के इस नए अवतार को यहाँ भेजा है ताकि हमारा परीलोक सुरक्षित रह सके। हाँ माँ, रानी परी के बिना जैसे उनके ये परीलोक और इस सिंहासन की चमक जैसे खोई गई थी, लेकिन नई रानी परी के आने से परीलोक की और उनके सिंहासन की चमक वापस आ जाएगी। बाल परी, नई रानी परी किसी भी समय पावन नदी से प्रकट हो सकती है, इसलिए हमें तुरंत पावन नदी की ओर चलना चाहिए। हाँ परी, चलो। चलिए। मानव, तूने मेरे पापा को सच क्यों बोला कि मैंने शर्मा अंकल की साइकिल की हवा निकाली थी? क्योंकि हम सच्चे और अच्छे बच्चे हैं और हम झूठ नहीं बोलते। अच्छा, अब मैं तेरे सच बोलने का मजा चखाता हूँ। मजा चखने वाले उसे छोड़ दे वरना पीट दूंगी। अच्छा, डोंट एंग्री रॉनी। रॉनी? रॉनी के होते हुए कोई कमजोरों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। तुमने इन दोनों के ऊपर हाथ उठाया ना, तो अब इनाम लो। बड़े लोगों की ऐसी छोटी छोटी पिटाई तो होती रहती है ना। थैंक यू रॉनी, तूने मेरा गाल लाल होने से बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक्स रॉनी। तो फ्रेंड्स, समझ गया, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते। मैंने तुम लोगों को इतना परेशान किया, इतना सताया, इसलिए ना। लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ और पहले हम लोगों ने जो कुछ भी किया ना, उस सब के लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ। ये देखो, सॉरी। हाँ, हम भी सॉरी बोलते हैं। सॉरी, सॉरी। वो एक्चुअली है ना, रोहित और केवल ने ना मुझे बालवीर की सारी कहानियां बताई, वो सुन के मैं एकदम इंस्पायर हो गया। बालवीर कितना ग्रेट है, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम लोग भी अच्छे बच्चे रहेंगे। हाँ, लाइफ में पहली बार सच कह रहे हैं वॉश। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बालवीर से तो हर बच्चे को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हाँ, और हम भी बालवीर से बहुत सारे इंस्पिरेशन लेते हैं और वो हमेशा हमारा हौसला बढ़ाता है। वो तो ऑब्वियस है ना, मतलब तुम दोनों बालवीर के बेस्ट फ्रेंड हो तो वो तो कंपलसरी है ना। वैसे तुम लोग बालवीर को कब मिले और तुम्हारी फ्रेंडशिप कैसे हुई? सॉरी रॉनी, ये सब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। सीधे सीधे नहीं बताएंगे ये लोग, इनको घुमाना पड़ेगा। अब मानो मैं क्या कह रहा हूँ,
मेरे एक अंकल है ना, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ना, उनके पीए हैं। पीए? पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट। तो मैं ये चाहता था कि उनसे बात करके स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में बालवीर के भी चैप्टर्स डलवा दूं। और उन चैप्टर्स में तुम दोनों और बालवीर के दोस्ती के किस्से भी होंगे। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि तुम दोनों की बालवीर से दोस्ती कैसे हुई। उमा, अगर हमने नई रानी परी के स्वागत के लिए कुछ तैयारी की होती तो अच्छा होता ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बालवीर, हमारी नई रानी परी का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से होगा। हाँ, धूमधाम से, मगर कैसे और कौन करेगा ये? बालवीर, हमारी नई रानी परी का स्वागत प्रकृति करेगी, और वो भी अपने सारे रंग बिखेर के, क्योंकि ये पल प्रकृति के लिए भी बहुत ही खास है। सच? फिर तो हम बहुत उत्सुक हैं दृश्य देखने के लिए। थामा, इन सब के साथ साथ मैं भी बहुत उत्सुक। हमें भी इंतजार है बालवीर, हम सबको। और बालवीर, देखो बालवीर, ये सब भी नई रानी परी की पहली झलक देखने आए हैं। लेकिन परियों, हमें ये कैसे पता चलेगा कि यही वो पल है जिस समय रानी परी का अवतरण होगा? बालवीर, आपको उस पल का इंतजार नहीं करना होगा। वो देखिए वहाँ, उस पल की शुरुआत हो चुकी है। वो देखो, प्रकृति ने उनका स्वागत करना शुरू भी कर दिया है। मेहर, बालवीर से जुड़ी हुई सारी बातें बताओ ना। हाँ, ये उन दिनों की बात है जब तू बता मेहर, कंटिन्यू। इस स्कूल में सब हमसे अच्छे से बिहेव करते थे, पर एक मोंटू ही था जो हमेशा हमें परेशान करता था। मोंटू हमें इतना परेशान करता था कि हम तो स्कूल जाने से भी डरते थे। मोंटू तो हमारे सपने में भी आके हमें परेशान करता था, और मानव तो बहुत डर गया था। दादी ने मुझे परीलोक और रानी परी की कहानी सुनाई। यहाँ से हजारों मील दूर उत्तर में, नहीं नहीं पूरब में एक परीलोक है। उस परीलोक की रानी का नाम है रानी परी। फिर मैं बालकनी में गई और मैंने रानी परी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज प्लीज किसी को जल्दी से जल्दी हमारी सुरक्षा के लिए भेज दो। रानी परी, 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 आप सुन रही हो ना? रानी परी, रानी परी।
परी, रानी परी। फिर रानी परी ने बीबी बी को भेजा, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। कौन है तू और कहां से आया है? मैं हूँ तुम जैसे शैतान बच्चों से अच्छे बच्चों को बचाने वाला। तब से बालवीर सच्चे और अच्छे बच्चों की रक्षा करता है। और मैं और मानव सात सच्चों के परिवार से हैं, इसीलिए बालवीर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया। हाँ, और हमें बालवीर की वजह से बुरे बच्चों से डर नहीं लगता और अच्छे बच्चों को भी सच बोलने से डर नहीं लगता। वैसे ये सब चैप्टर में आएगा ना? हाँ हाँ आएगा ना चैप्टर में जरूर आएगा। ओके थैंक यू, बाय रॉनी, अब हम चलते हैं। चैप्टर का तो पता नहीं महर, लेकिन एक आइडिया जरूर आया बालवीर को टक्कर देने का। डोंट एंग्री रॉनी। परियो, अब हमारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब से बस कुछ ही पल में हमारी नई रानी परी हमारे साथ होंगी। खुश रहो परियों, खुश रहो, खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। मिल गया आइडिया। क्या क्या बालवीर को बेस्ट फ्रेंड बनाने का? नहीं, हम बालवीर की तरह ही एक और सुपर किड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे। एक और सुपर किड? वो कहां से आएगा? रानी परी से मांगेंगे, जिस तरह महर ने अपनी स्पेशल बालकनी से बालवीर को मांगा था, हम भी उसी तरह उसी स्पेशल बालकनी में खड़े होके रानी परी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे लिए बालवीर से भी ज्यादा ताकतवर सुपर किट भेजे। हिल गए बॉस, हिल गए। मेरा प्लान सुन के हिल गए ना? ओ, हमने हिले, आपका दिमाग हिल गया। हाँ बॉस, जाकर किसी पागल खाने का एडमिशन का फॉर्म भरो, मैं और केवल जा रहे। चल केवल। पागल मैं नहीं, तुम दोनों। तुम्हारे दिमाग में अकल की जगह पे टोमेटो सॉस और चीज भरा पड़ा है। मेरी दादी मुझसे कहा करती कि धरती पे कुछ स्पेशल जगह होती है जिनका कॉन्टेक्ट सीधा आसमान से होता है। मानव और मैर की बालकनी भी उन स्पेशल जगहों में से एक है। ये भी दादी ने बताया था? ये मैं बता रहा हूँ। और हाँ,
आज रात मानव महर की बालकनी में खड़े रह के हम डायरेक्ट रानी परी से कांटेक्ट करने वाले हैं। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। मैं अभी जाकर मानव महर को यह कह देता हूँ कि आज रात को हम उनके घर पर डिनर करेंगे। मैं तो मशरूम चीज पिज्जा खाऊंगा। केवल तू क्या खाएगा? मैं तो ढोकला, पाव भाजी, चाय पनीर, फालूदा। भुक्कड़ो, जब देखो तब खाने पीने के बारे में सोचते रहते हो। हम लोग उनके घर पे सबके सामने नहीं जाने वाले, हम लोग उनके घर पे चोरी छुपे जाएंगे जब मानो और मेहर के घर वाले सो चुके होंगे। और डिनर? डिनर मैं करवा दूंगा, लेकिन रानी परी से विश मांगने के बाद। ओके बॉस। दे ताले। बेटा अच्छे खासे घर के लगते हो, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? हादी। आजकल के बच्चे भी ना। रानी परी, आपके यहाँ आने से परीलोक की शोभा में चार चांद लग गए हैं। हाँ रानी परी, आपके आने से पूरा परी महल खुशी से झूम रहा है। हम भी स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि रानी परी के इस अति विशिष्ट पद के लिए हमें चुना गया, और इस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए हमें आप सभी के सहयोग की जरूरत पड़ी। और रानी परी का पदभार संभालते ही हम सबसे पहले बुराई और बुरी ताकतों का अंत करेंगे। हर जगह अच्छाई और सच्चाई की हवा बहेगी, और इसके लिए हमें आपके सहयोग के साथ साथ बालवीर के भी विशेष सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। रानी परी, मैं आपके कोई काम आ सकूं? ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। हमें आप पर पूरा भरोसा है बालवीर। जिस तरह आपने बवंडर परी, मोगैम्बो गुमैंगो और बुराई की सबसे बड़ी प्रतीक भयंकर परी का अंत किया, उसी तरह परी लोक में भविष्य में भी आप हर बुराई का अंत करते रहेंगे। रानी परी, तारों की स्थिति के अनुसार कल सुबह का समय आपके राज्याभिषेक के लिए सबसे शुभ समय है। चलो परियों, कल सुबह होने वाली राज्य अभिषेक की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जी बाल परी। हाँ बाल परी, चलिए। जिन दो मच्छरों को बुलाया वो तो नहीं है, बाकी दुनिया भर के मच्छर यही आ गए। इडियट्स, एक तो लेट आते हो, ऊपर से मुझे डराते हो। अरे बॉस, डरपोक को क्या डराना। Shut up, idiots. अगर तुम लोगों ने कुछ भी कहा ना तो तुम लोग का डिनर कैंसल। सॉरी। और तुम लोग ये शेर के मास्क पहन के क्यों आए हो? हम महर के घर जा रहे हैं, किसी जंगल में नहीं। यार रोहित, गलत बॉस सुन लिया हमने। रुक, मैं समझता। मोटी बुद्धि, मेरे कहने का मतलब है रॉनी बॉस, अगर हम ये मास्क पहनकर अंदर जाएंगे और किसी ने हमें पकड़ लिया तो हमें पहचान भी नहीं पाएगा। ये लो बॉस, हम आपके लिए भी लाए हैं। ये क्या, मेरे लिए बंदर का लिखा है? अरे बॉस, जैसी पर्सनालिटी वैसा मास्क। इडियट्स, अब यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से अंदर चलो। ओके बॉस। ये लो बॉस टॉर्च। गुड, चलो। अरे इडियट, चोरी छुपे जा रहे हैं ना? हाँ। तो क्या दरवाजे से जाएंगे? वो कैसे जाएंगे? इडियट, खिड़की से जाएंगे, खिड़की से। चलो। रानी परी, अब आप इस रात के अंधेरे में सच्चाई का उजाला फैलाने की पावन प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। हाँ रानी परी, परीलोक में उजाला कीजिए। ठीक है, चलिए।
रानी परी शुरुआत कीजिए। बालपरी, कल हमारे राज अभिषेक से पहले हम परीलोक की इतिहास की किताब पढ़ना चाहते हैं, ताकि रानी परी के पद की जिम्मेवारी उठाने से पहले हमें परीलोक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और स्थानों की जानकारी। जी रानी परी, हम इसकी व्यवस्था करवाते हैं। अभी तो बोला था कि चोरी छुपे आना है। इडियट, फंस गया हूँ मैं। कैसे आऊँ? ये तो मुझे। केवल यही नुकसान होता है हाथी को अपना साथी बनाने का। हाथी बोला? सॉरी। सॉरी रखी चाचू, ये सब है ना, ये सब इस गेंडे की वजह से हुआ है। किसने? अब मैं क्या करूं? मारो मारो। अरे इडियट्स, वो सो रहा है और तुम लोग मुझे मार रहे हो। कौन है? क्या कर रहे हो? कौन है ये? हाँ रॉकी, रॉकी तेरी नींद में चलने की बीमारी फिर से शुरू हो गई। चल तेरे कमरे में छोड़ देता हूँ, नहीं तो चलते चलते मुंबई से बाहर निकल जाए। चल चल चल, बस बस मैं समझ गया। चलो चलो, चलो। मैं बॉस हूँ। बॉस? बॉस आप इतनी रात गए यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हैं? सॉरी रॉन्ग नंबर। बॉस अब क्या करें? बॉस अब क्या करें? चोर चोर चोर! अरे पहले वो मोंटू हाथी पिटवाता था, अब ये गेंडा आ गया। ए, डोंट एंग्री रॉनी, वरना प्रिंसिपल सर को बोल के छुट्टी करवा दूंगा। हाँ करवा दो करवा दो। वैसे भी मुझे छुट्टी बहुत पसंद है। हाँ छुट्टी मतलब मौज लूटी ना, सुबह उठने की झंझट ना रात को जागने की झिकझिक। अरे इडियट, मैं तुम लोग की परमानेंट छुट्टी करवा दूंगा। आउट ऑफ स्कूल। अरे नहीं नहीं नहीं, आपका मतलब है कि लंबी छुट्टी? नहीं नहीं बस नहीं नहीं, ऐसी लंबी छुट्टी मत करवाना वरना पापा बहुत मारेंगे, बैन बजा देंगे। ठीक है तो अब सुनो, घर के अंदर से तो बालकनी में जाना इम्पॉसिबल है, अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। अरे बॉस ये रास्ता छोड़ो, पहले मैं इस मच्छर को ऊपर का रास्ता दिखाता हूँ। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया?
अंकल, मानो मेरे की बालकनी में जाने का रास्ता मिल गया। अरे रास्ता मिल गया बालकनी का। एक मिनट, मोटी अकल किसको बोला? हाँ मोटी अकल मतलब साइज में बड़ी अकल। हाँ अरे बस ये सब छोड़ो ना, वो देखो मानो मेहर की फेमस बालकनी। हाँ चल चल, एक मिनट पहले अपनी हालत खराब कर लो। ओके बस। ए इडियट, हालत खराब करने के लिए कह रहा हूँ, भिखारी बनने के लिए नहीं। तुम्हें दुखी और परेशान दिखना है। ओके बस लो, हो गए परेशान। हाँ और ये दुखी। गुड गुड, अमूल का बना। अरे हाँ दुखी लग रहा हूँ। हाँ चलो चलो रानी परी, रानी परी। अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा रानी परी से रिक्वेस्ट कर लेते। ओके रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी। हाँ हुआ अच्छा कि रख दी हमने वो इतिहास की किताब। हाँ डुबा डुबाई, अब रानी परी आराम से परीलोक के इतिहास का अध्ययन कर पाएगी। रानी परी, रानी परी, रानी परी। डुबा डुबाई, इस समय रानी परी को कौन पुकार रहा है? चलो जादुई कुंड में देखते हैं। देखो रानी परी, हम बड़े दुखी और परेशान है। बालवीर हम लोगों को छोड़ के बाकी सब बच्चों का दोस्त है। हाँ बिना बालवीर के दोस्ती के हम लोग बिना रूफ वाला घर है। हाँ बिना खाने का टिफिन है। अरे भुकड़ो, अब रानी परी अब मेरा मतलब ये है कि हम लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वो जो बालवीर है ना, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता। इसीलिए रानी परी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए पालवीर जैसा, इनफैक्ट पालवीर से भी ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग कोई और सुपर किट भेज दीजिए, जो हमारा दोस्त बन जाए और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। प्लीज प्लीज रानी परी प्लीज। बॉस प्लीज, ये प्लीज बोल बोल के भी भूख लग गई है। हाँ बॉस, आज के लिए इतना प्लीज बहुत हो गया। अभी कोई अच्छी सी होटल में जाकर हम डिनर करते। अच्छा तुम लोगों को खाना खाना है? हाँ पहले कौन खाएगा? मैं। वैसे बात तो सही है, और कितना प्लीज बोलेंगे? ठीक है चलते हैं। देखा डुबा डुबाई, कितने नाटकबाज है ये बच्चे। बस अपनी बदमाशी को पूरा करने के लिए और बच्चों को परेशान करने के लिए कोई साथी चाहिए इन्हें। अरे ऐसे बच्चे को तो चाहिए लेनी बराबर खबर, चकाना चाहिए इन्हें ऐसा मजा के भूल जाए सारी बदमाशियां एक ही पल में। डुबा डुबाई एक शांत हो जाओ, ये इनका बचपन है और आखिर ये बच्चे ही तो है। बच्चे बच्चे नहीं, बदमाश बच्चे। अरे अगर नहीं सुधारा उनको अभी तो बढ़ेगी उनकी बदमाशी और भी, इसलिए सुधारने के लिए पृथ्वीलोक पे जाएगा ये तालवीर, बनके इनका दोस्त और चखाएगा इनको मजा। ठीक है डुबा डुबाई, तुम पृथ्वीलोक पे तालवीर बनके जाना, लेकिन हाँ उन्हें ज्यादा परेशान मत करना। अब है तो इनकी बदमाशी के ऊपर, जितनी करेंगे अधिक बदमाशी चखाएगा उतना अधिक मजा ये तालवीर। ठीक है डुबा डुबाई।
बालवीर, पृथ्वीलोक पे जाने से पहले ले लेता हूँ नटखट परी से कोई जादू यंत्र, जो आएगा काम इस तालवीर के। ठीक है डुबा डुबाई, चलो मेरे साथ चलो। अब देखना कल वही होगा जो हम चाहते हैं। अब तक तो मेरी आवाज रानी परी तक पहुंची गई होगी। मेरी और... मेरी क्या बोल रहे हो, बस हमारी बोलो हमारी। मैं आपसे ज्यादा बार प्लीज बोला था रानी परी को। ठीक है हमारी आवाज रानी परी तक पहुंच गई होगी और कल सुबह तक तो हमारे पास बालवीर से भी ज्यादा ताकतवर सुपर किड होगा। यस बॉस। और फिर हम उस सुपर किड की मदद से बच्चों को जितना चाहे उतना परेशान करेंगे, जितना चाहे उतना सताएंगे, जितना चाहे उतना तंग करेंगे, फिर भी बालवीर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे बॉस इतना भी खुश मत हो, क्योंकि अगर वो सुपर किड तालवीर निकला ना तो हमारी बैंड बजा देगा। तालवीर कौन है? अरे बॉस तालवीर वो हेल्प कम करता है धुलाई ज्यादा, वो आफत है आफत। ए, वो मोंटो और तुम्हारे लिए होगी आफत, मेरे लिए कोई आफत आफत नहीं होगा। वो तालवीर हो या कोई और वीर, मैं उन सबको अपने स्टाइल से हैंडल करूंगा। उन लोगों को ऐसा मस्का लगाऊंगा ना, ऐसा मस्का लगाऊंगा कि वो लोग मेरे फैन बन जाएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस मरवाएगा। कुछ कहा तुम लोगों ने? नहीं 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 नहीं, नहीं बॉस नहीं। कल से हमारा टाइम शुरू होगा और सारे अच्छे बच्चों का गेम ओवर। स्पेशली वो मानो मैथ, उनकी तो मैं ऐसी वाट लगाऊंगा ना। लगता है बॉस को पागलपन का दौरा आया। कुछ कहा तुम लोगों ने? नहीं नहीं कुछ नहीं कहा। दुष्ट तौबा तौबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सिंहासन को हाथ लगाने की? ये सिंहासन सच्चाई और अच्छाई की रानी का सिंहासन है और तुम सर से पांव तक सिर्फ बुराई ही बुराई हो। इस सिंहासन पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। भयंकर परी का